हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 10 अगस्त 2018 की प्रीलिम्स अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं हमारी डिस्कशन की तरफ। आज सबसे पहले जो आर्टिकल आया है वो आया है बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। तो देख लेते हैं क्या यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है और कौन सी नई साइड न्यूज़ है जो हमारे लिए यहाँ पे देखने लायक है। देखो, आपको पता है कि बायोस्फीयर रिजर्व है, इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। तो उनमें से थे पहले क्या था कि 10 को तो इंटरनेशनल लेवल पर दर्जा दिया गया था और इसके साथ ही बाकी थे, वो कुल मिलाकर टोटल 18 थे, वो थे इंडिया के। बट अभी नई बात यह है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे पहले 10 थे, अब वो 11 हो गए, एक नया बायोस्फीयर रिजर्व और शामिल हो गए, उसको लेके बेसिकली है आर्टिकल वो आया है। मतलब यूनेस्को का जो मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व जो प्रोग्राम था MAB, वो अभी यहाँ पे इंडिया में उस तरीके से एक्सपेंड हो गया और उसमें एक नई साइट ऐड कर दी गई है, वो है कंचनजंगा नेशनल पार्क को। तो कौन कौन से इंडिया में, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि 10 बायोस्फीयर रिजर्व थे, जो कि एक्चुअली आपको बताऊं कि यहाँ यूनेस्को का मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल थे और अभी एक नया 11 कौन सा शामिल किया गया वो हम देखते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक यहाँ पे हो जाता है, तो इसके बारे में अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आज। देखो, सबसे पहले बात करें इंडिया का जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो इंटरनेशनल लेवल पे यूनेस्को में शामिल हुआ था, वो हुआ था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। 2000 में इसको शामिल किया गया था, जो कि फैला हुआ है तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में, क्योंकि नीलगिरी हिल वो तीनों स्टेट में है, इसलिए ध्यान इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। इसके बाद में था गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि पहला मरीन बायोस्फीयर रिजर्व भी है, क्योंकि पूरा ओशियन के अंदर है, यह है तमिलनाडु में और फिर ये गल्फ ऑफ मन्नार वाले एरिया में है बेसिकली। फिर तीसरे की बात करें तो वह है सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व। तो आपको पता है कि सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व है वो इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर वाले एरिया में है और वहाँ पे सुंदरी फॉरेस्ट की काफी बहुलता है, सुंदरी वृक्ष काफी ज्यादा पाए जाते हैं। इसके बाद में आप ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व में क्या फेमस है, मतलब किसके लिए सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व है वो जाना जाता है बेसिकली। इसके बाद में बना था नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि उत्तराखंड के अंदर है, तो ये चीज भी हमें यहाँ पे ध्यान है वो रखनी है। देखो, ये जो 11 के 11 नाम है ये आपको सीक्वेंस के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे UPSC क्वेश्चन पूछ लेती है और काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो यहाँ पे आप कोई भी कोताही है वो आपको नहीं बरतनी है। इसके बाद में जो बात करें पांचवा है वो है नोरेक बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि मेघालय में है। इसके बाद में छठा बायोस्फीयर रिजर्व वो है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि आता है मध्य प्रदेश में। और सातवें की बात करें वो आता है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि आता है उड़ीसा में। और आठवें नंबर पर आता है हमारा ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि निकोबार वाले एरिया में ओबियसली है। इसके बाद में आता है हमारा अचना कुमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। तो आपको पता है कि अमरकंटक कहाँ पे है बेसिकली, वो है MP और छत्तीसगढ़ के ए बॉर्डर पे, तो इसीलिए ये दोनों स्टेट में यहाँ पे शामिल है वो हो जाएगा, तो ये चीज़ हमें ध्यान है वो रखनी है। दसवां जो शामिल किया गया था वो क्या गया था 2016 में, वो था अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि केरला और तमिलनाडु दोनों स्टेट में फैला हुआ है। और जो अभी नया ऐड किया गया रिसेंटली वो है कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कि सिक्किम में है। अब देखो, हम पहले तो कंचनजंगा नेशनल पार्क के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे, जो कि बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हुआ है। इसके साथ ही हम देखेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व की हालत क्या है, कौन सा लेवल पर उनको प्रोटेक्शन है वो दी जाती है, तो वो एक एक पॉइंट हम यहाँ पे कवर करेंगे। देखो, पहली बात तो ये है कि हमारे देश में, से मैंने आपको बताया कि टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ठीक है। और IUCN की जब बात करें इनको प्रोटेक्शन लिस्ट की, तो ये फिफ्थ कैटेगरी में इनको शामिल किया जाता है, मतलब IUCN की प्रोटेक्शन लिस्ट है उसमें फिफ्थ लिस्ट के अंदर अब बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल है वो किया जाता है। अब एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर काफी सारे नेशनल पार्क और एनिमल सेंचुरी हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, वो हो सकती हैं, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा एरिया वो होता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखने की एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकती हैं, नेशनल पार्क भी हो सकते हैं, जगह काफी सारी चीजें यहाँ मिक्स होकर एक बायोस्फीयर रिजर्व वो बनता है, मतलब डाइवर्सिटी बायोस्फीयर रिजर्व की काफी ज्यादा होती है। तो ये फैक्ट एक इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। फोना एंड फ्लोरा दोनों तरह की स्पीसीज यहाँ पे पाई जाती है, मतलब प्लांट और एनिमल दोनों तरह की यहाँ पे स्पीसीज पाई जाती है, उनको प्रोटेक्ट है वो किया जाता है, वो भी उनके नेचुरल आवास में। तो ये चीज हमें ध्यान और रखनी है। अब पहले तो हम ये देखते हैं कि कौन कौन से क्राइटेरिया हैं, उसके आधार पे एक्चुअली इनको सिलेक्ट हो किया जाता है। तो देखो, पहला क्राइटेरिया तो एक तो यह है कि इन सीतू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इन सीतू और एक्स सीतू दो तरह के कंजर्वेशन होते हैं। देखो, इन सीतू कंजर्वेशन का मतलब ये होता है, जैसे कोई भी प्राणी है, कोई भी प्लांट एनिमल कुछ भी ले लो आप, जिस एरिया में वो पाया जाता है, जिस एरिया की उसकी ज्योग्राफिक मतलब क्वालिटी वगैरह है, फीचर्स हैं, उस एरिया के अंदर ही उसको अगर प्रोटेक्ट किया जा रहा है तो वो तो होगा इन सीतू कंजर्वेशन। जैसे कि ये मान लो कि पेंगुइन का एग्जांपल ले लो, कि पेंगुइन आपको पता है कि ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, ये अंटार्कटिका का एग्जांपल बेसिकली हम यहाँ पे ले सकते हैं कि पेंगुइन है वो नॉर्मली अंटार्कटिका में काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तो वो क्या हुआ, वो उनका नेचुरल आवास हो गया, तो वहाँ पे अगर उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है कि वहाँ पे उनका शिकार वगैरह ना हो, वहाँ उनका
उनका ध्यान रखा जा रहा होगा, तो वो तो हो गया इनसीतु कंजर्वेशन। और एक्सीतु कंजर्वेशन क्या हो गया कि पेंगुइन को वहां से उठाया और फिर क्या किया, किसी लेब वगैरह के अंदर रख दिया या फिर किसी जू वगैरह में ऐसी जगह रख दिया, आर्टिफिशियल जगह जहां पे उसका ध्यान रखा जा रहा है और उसको प्रोटेक्ट है वो किया जा रहा है, तो हो गया एक्सीतु कंजर्वेशन। तो ये डिफरेंस होता है इनसीतु कंजर्वेशन और एक्सीतु कंजर्वेशन में। इनसीतु कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि भाई उसके नेचुरल आवास में ही उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो आप ये देखिए कि जू है वो कौन से महंगा, जू ऑब्वियसली एक्सीतु में आता है क्योंकि जू के अंदर प्लांट्स सॉरी जो एनिमल्स होते हैं उनको लाके रखा जाता है और उनको वहां पे फिर प्रोटेक्ट किया जाता है, जो कि वहां पे उन माहौल उनके लिए फिर भी सेट नहीं होता है बट फिर भी उनको एक वहां के लिए मतलब उपयुक्त है या तैयार है वो किया जाता है। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि इनसीतु कंजर्वेशन क्या होता है, एक्सीतु कंजर्वेशन है वो क्या होता है। इसके साथ ही बात ये करें कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसके अंदर सस्टेनेबिलिटी में अगर सपोर्ट कर रहा है वो एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है उस एरिया की। इसके साथ ही जो ह्यूमन पॉपुलेशन है अगर वो भी वहाँ पे रह रहा है, ह्यूमन के इंटरलिंक वहाँ पे है उस वाले एरिया में, तो वो भी एक्चुअली बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट में शामिल होता है। इसके साथ ही इकोलॉजिकल स्टडी अगर वहाँ पे हो रही है, डाइवर्सिटी काफ़ी अच्छी है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन हुई, ट्रेनिंग वगैरह हुई, ऐसी अगर फैसिलिटी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करवाई गई है उस एरिया में, तो वो एक्चुअली बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल होता है। तो ये दो तीन कुछ क्राइटेरिया हैं, इसके आधार पे किसी भी मतलब बायोस्फीयर रिजर्व एरिया को घोषित है वो किया जाता है। अब हम चलते हैं आगे। देखो कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम बात करें तो बेसिकली एक नेशनल पार्क था और एक बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि है सिक्किम में। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि सिक्किम के अंदर बेसिकली ये है क्योंकि वहाँ पे कंचनजंगा एक माउंटेन हिल है जिसकी हाइट है एक्चुअली 8586 किलोमीटर, तो उसके आधार पर इसका नाम है वो रखा गया था, जो कि थर्ड हाईएस्ट पीक है ऑल ओवर वर्ल्ड की। तो आपको पहले सेकेंड नंबर की हाईएस्ट पीक कौन सी है वर्ल्ड की उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है वो। चलते हैं इसके बाद में अगले फैक्ट की तरफ। देखो तो यहाँ पे अहम बात यह है कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसमें इकोसिस्टम काफ़ी मतलब जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए अनुकूल होता है। इसके साथ ही यहाँ पे काफ़ी अच्छी जो डाइवर्सिटी है वो पाई जाती है, तरह तरह के पेड़ पौधे वो पाई जाती है, सब ट्रॉपिक वाले एरिए से लेके आर्कटिक ओशन में सॉरी आर्कटिक सर्किल में जो जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं बेसिकली, क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा है आपको पता है इसकी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बर्फ वगैरह भी जम देती रहती है, इसलिए यहाँ पे बहुत ठंडी स्पेसीज भी पाई है वो। तो ये फैक्ट एक इंपॉर्टेंट है वो हो जाता है, मतलब डायवर्सिटी के मामले में काफी अच्छा है। 2016 में ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाता है कि कंचनजंगा नेशनल पार्क को विश्व की मिक्स्ड हेरिटेज साइट में का दर्जा भी दिया गया था। तो ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट होता है कि मिक्स्ड हेरिटेज साइट कौन सी है इंडिया में, वह कंचनजंगा। तो अभी रिसेंटली कौन सी साइट को यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया था, तो वो किया गया था अभी कंचनजंगा को। तो इसलिए कंचनजंगा के बारे में दो चार फैक्ट्स हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंडिया की पहली मिक्स्ड हेरिटेज साइट है वो अभी कंचनजंगा ही है और उसके अलावा कोई दूसरी अभी तक नहीं बनी है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। अब हम चलते हैं यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम की तरफ। देखो यूनेस्को का जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है वो 1971 में लॉन्च हो किया गया था। यूनेस्को के बारे में जैसा कि हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है कि यह यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि एजुकेशन के सेक्टर में, साइंस के सेक्टर में, इसके साथ ही कल्चरल सेक्टर में और भी बहुत सारे सेक्टर हैं जहाँ पे बेसिकली मिलकर काम करती है, ह्यूमन राइट्स के लिए हो, सपोर्ट लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करवाने, वो सारे काम इसके द्वारा बेसिकली किए जाते हैं। तो अब क्या हुआ था, 1971 में यूनेस्को है उसके द्वारा एक प्रोग्राम लाया गया था जिसका नाम था मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। तो ये क्या था, एक इंटरनेशनल साइंटिफिक प्रोग्राम था। इसका मेन मोटो ये था कि साइंटिफिक बेसिस के आधार पे लोगों के बीच में और जो इन्वायरमेंट है उन दोनों सॉरी लोगों और इन्वायरमेंट दोनों के बीच में एक लिंक है, रिलेशन है, उनको इम्प्रूव करना ताकि हम इन्वायरमेंट को भी सस्टेनेबल तरीके से डेवलप कर सकें और ह्यूमन भी आगे ढंग से डेवलप हो कर सकें, मतलब जानवरों और एनिमल जानवरों और इंसानों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इस चीज़ को दूर करने के लिए बेसिकली स्टार्टिंग है वो की गई थी। चलते हैं आगे। अगली बात ये, जैसे मैंने आपको बताया कि इससे सोशल रूप से भी काफ़ी बेनिफिट होते हैं, इकोनॉमिक रूप से भी बेनिफिट होते हैं क्योंकि टूरिज्म वगैरह से चीज़ें बढ़ती हैं और एजुकेशन के लिए यहाँ पे रिसर्च वगैरह भी की जाती है। तो काफ़ी हद तक यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होता है, इसके साथ सोशल साइंस का भी, यहाँ नेचुरल है उन चीज़ों पर भी फोकस है वो किया जाता है और भी जो पेड़ पौधों से हमें बेनिफिट मिलते हैं उनको भी हम यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट है वो करते हैं। अब बात करते हैं कि जो वर्ल्ड नेटवर्क है बायोस्फीयर रिजर्व का, उसमें देखा जाए तो 600 से ज़्यादा साइटें अभी तक शामिल की गई हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, 122 कंट्रीज़ में। कोई बात नहीं है, ठीक है, ये तो सब हमें ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट ये है कि अगर ऐसा फैक्ट अगर हमें याद होता है तो हम मेंस में आंसर राइटिंग में कहीं यूज कर सकते हैं इस पॉइंट का। इसके बाद में देखो बात करें इंडिया का, मैंने आपको बताया कि पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व था जो कि यूनेस्को की इस लिस्ट में शामिल हुआ था वो हुआ था बेसिकली यहाँ पे तमिलनाडु और जो मतलब केरला और कर्नाटका में आता है वो आता है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 2000 में। इसके बाद में धीरे धीरे के हर साल है धीरे धीरे ऐड होते जा रहे हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, फौना एंड फ्लोरा दोनों तरह की स्पीसीज वो पाई जाती हैं।
तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो मैंने आपको बता दिया कि देखो टोटल इंडिया में जो है बायोस्फीयर रिजर्व है वो है 18, बट यूनेस्को के द्वारा जो मान्यता दी गई है वो दी गई है अभी केवल 11 को, पहले 10 थे अभी एक और ऐड है वो कर दिया गया है, तो ये फैक्ट एक इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया हुआ है प्रिजनर रिफॉर्म के बारे में, मतलब जेल के अंदर जो कैदी रह रहे हैं उनके रिफॉर्म के लिए। कंटेक्स्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी गाइडलाइन है वो जारी की कि भाई जेल में रिफॉर्म करने के लिए उन्होंने कमेटी है वो बनाई है, उसको लेके बेसिकली आर्टिकल वो आया है। तो जो ही आपके दिमाग में प्रिजन रिफॉर्म आता है या फिर एग्जाम मेंस में अभी इसके बारे में टॉपिक पे क्वेश्चन आ रहा है ऐसे राइटिंग कहीं भी, तो आप मलिमत कमेटी का जिक्र है वो जरूर करेंगे, क्योंकि मलिमत कमेटी है वो प्रिजनर रिफॉर्म के लिए ही लाई है वो गई थी, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाती है। अब देखो प्रिजनर रिफॉर्म की बात हो क्या की जाती है, आपको पता है कि आज के टाइम पे जो हमारे देश में जेल है उनकी हालत इतनी खराब है कि वहां पे ना तो ढंग से खाना मिलता है ना ही रहने की व्यवस्था है, और इसी के साथ काफी तरह की प्रॉब्लम वहां पे लोगों को सामने झेलनी पड़ रही है। तो उसी को लेकर वो जेल में रिफॉर्म लाने के लिए बेसिकली कमेटी है वो सुझाव देने वाली है, इसके बाद गवर्नमेंट उनको धीरे धीरे अप्लाई है वो करने वाले है, ये सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे रखा गया है। क्योंकि देखो काफी बार सारे कई बार केसेस भी सामने आते हैं ऐसे कि जेल के अंदर ह्यूमन राइट का वायोलेशन है वो हो रहा है, कई बार ऐसा आता है कि जेल के अंदर ओवर क्राउडिंग का इश्यू है वो आ रहा है, मतलब भीड़ बहुत ज्यादा है, जितनी जेल की कैपेसिटी है उससे ज्यादा लोग रह रहे हैं, तो ऐसे सारे इश्यूज टैकल करने के लिए कमेटी है वो भी बनाई गई है। जेल के अंदर रिफॉर्म लाने बहुत जरूरी है, इसके साथ ही जेल की जो प्रॉब्लम है जैसे कि आपको बताया कि लिमिट से ज्यादा जेल में लोगों को रखा है वो जा रहा है, सेफ्टी स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया जा रहा है, लापरवाही की जा रही है, स्टाफ है उसकी काफी भारी कमी होती है कई बार, और इवन देखा जाता है कि वुमन स्टाफ है उसको एक्चुअली कई बार हरासमेंट वगैरह टॉर्चर वगैरह का इश्यू सामने आता है, इसके साथ ही खाना है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, इसके साथ ही जैसे अंडर स्टाफ मैंने आपको बता दिया, या फिर जो अंडर फंडिंग का भी इशू होता है कि कई बार जेल में प्रॉपर फंड ही नहीं होता है, तो जो रहने की जो व्यवस्था है इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी भी भारी कमी है ये होती है। तो इस तरह की हमारे देश में जेलों में भारी कमियां या प्रॉब्लम है वो सामने आ रही है, क्योंकि देखो आप जानते हो कि इन जो कैदी हैं वो ये तो है नहीं कि भाई इंसान नहीं है, इंसान है, तो ऐसा तो नहीं है कि उनको आप जानवरों की तरह ट्रीट करो, तो वही बात यहाँ पे आ जाती है कि प्रिजनर्स आर नॉट लाइक एनिमल्स, हमें उनको प्रोटेक्ट करना है और उनके भी कुछ ह्यूमन राइट्स होते हैं, हाँ उन्होंने अपराध किया है तो ऑब्वियसली उनको सजा मिलनी चाहिए, बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप उनके साथ जानवरों की तरह बिहेव वो करो। तो इसीलिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट है वो इस एरिया में रिफॉर्म है वो लाने के लिए अपनी गाइडलाइन वगैरह को जारी है वो कर रही है। इसी के साथ ही देखो कुछ फैक्ट्स हैं यहाँ पे वो आते हैं एनएचआरसी के साथ, नेशनल ह्यूमन राइट जो कमीशन है उसके द्वारा कुछ डाटा वगैरह यहाँ पे दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं। इसमें यह बताया गया है कि हमारे देश में जितने सुसाइड होते हैं ना नॉर्मली उनसे 50% सुसाइड जेलों में ज्यादा हो रहे हैं, मतलब जेल के अंदर लोगों को ज्यादा परेशान किया जाता है इसलिए वो सुसाइड की तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं और सुसाइड करते हैं। ये थोड़ा डाटा दिया गया एवरेज सुसाइड का कि हमारे देश में नॉर्मली 1 लाख लोगों में से 11 लोग हैं वो सुसाइड करते हैं, मतलब पर 1 लाख लोगों पे 11 लोग बेसिकली सुसाइड करते हैं, बट यही आंकड़ा अगर हम जेल में देखें तो ये हो जाता है 16.9, मतलब 17 हो जाता है कि 1 लाख लोगों पे 17 लोग जेल में सुसाइड वो कर रहे हैं। क्यों? ये आप देख सकते हो कि 6 लोग हैं वो एक्स्ट्रा यहाँ पे जाके सुसाइड वो कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? वो इसीलिए है क्योंकि जेल के अंदर कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ भारी कमी है, वहाँ पे ह्यूमन राइट का वायोलेशन होता रहता है, जो अधिकारी वगैरह होते हैं जेलर वगैरह वो लापरवाही बरत रहे हैं, इसी के साथ ही प्रॉपर मेंटेनेंस वगैरह नहीं होता है, उनको टॉर्चर वगैरह किया जा रहा है, बहुत तरह के इशूज यहाँ पे शामिल हैं वो हो जाते हैं, कुछ एथिकल इशूज भी आ जाते हैं। तो इसी के लिए हमें ध्यान रखना कि मलिमत कमेटी की बात यहाँ पे आ गई है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है स्क्रब टाइफस के बारे में। तो स्क्रब टाइफस है वो एक डिजीज है, तो इसके बारे में हमें ध्यान है वो रखनी है। और बेसिकली होता क्या है, देखो आपको इसके बारे में बता दूं कि कब ज्यादा स्प्रेड होती है, जब गंदगी वाला एरिया आप बोल सकते हो कि जब जिस टाइम पे मॉस्किटो वगैरह आप जैसे बारिश का मौसम होता है ना इस टाइम पे क्या है काफी कीट पतंग आ जाते हैं, तो उन कीट पतंगों की वजह से ये बेसिकली ज्यादा फैलता है। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि अगस्त से लेकर अक्टूबर के टाइम पे इसका जो आप बोल सकते हो कि टाइम पीरियड वो बहुत ज्यादा होता है, मतलब इस टाइम पे वो जल्दी या स्प्रेड है वो करता है, क्योंकि इस टाइम पे बारिश हो रही होती है तो काफी कीट पतंगे बाहर निकलते हैं जमीन से, और फिर अगर उनमें से कोई भी अगर इंसान कोई भी का मतलब यहाँ पे कि जो कि इससे मतलब सफरिंग कर रहा हो या जो कि इस लार्वा से पीड़ित होता है तो वो कहीं ना कहीं अगर इंसान को काट लेता है तो उसको ये डिजीज है वो हो जाती है। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि क्या क्या फीचर्स यहाँ पे बात है वो की जा रही है। देखो पहली बात तो ये ध्यान रखने की यहाँ पे जो यूपीएससी पूछ सकती है जनरल साइंस के नजरिए से वो ये पूछ सकती है कि स्क्रब टाइफस है वो किससे जनित है, मतलब किससे फैलता है, वायरस से है किससे, बैक्टीरिया से है क्या है? तो ये चीज हमें ध्यान रखने की बैक्टीरिया जनित है एक रोग है स्क्रब टाइफस। अब क्या होता है एक माइट लार्वा होता है उसकी वजह से बेसिकली ये फैलता है, तो मतलब अगर ये कीड़ा है अगर उसके अंदर माइट लार्वा प्रेजेंट है तो और वो कहीं ना कहीं इंसान को काट लेगा तो फिर उससे ये स्क्रब टाइफस है वो धीरे धीरे फैलने लग जाता है।
तो ये चीज ध्यान है वो रखनी है। अब देखो बात क्या थी, अब यहाँ पे कंटेक्स्ट अभी रिसेंटली कुछ इस प्रकार आया है कि जो एक्यूट एन्सेफलाइटिस होता है सिंड्रोम, एक्यूट एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम होता है जो कि बेसिकली अभी गोरखपुर के अंदर आपको पता है जापानीज इंसेफलाइटिस फैला था, उसी दौरान अभी इसकी भी काफी न्यूज है वो सामने आई थी। तो जब जिन लोगों को एक्चुअली एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम फैला हुआ है ना, उन्हीं लोगों को देखा गया कि स्क्रब टाइफस भी है, जबकि ये दोनों डिजीज है, एक तो ये आगे एक्यूट इंसेफलाइट सिंड्रोम है और जो यहाँ पे स्क्रब टाइफस है, ये दोनों ही एक्चुअली गंदे वाले एरिया में ज्यादा होती हैं, जहाँ पे कीट पतंगों का प्रकोप ज्यादा होते हैं उन वाले एरिया में बेसिकली फैलते हैं, मानसून के टाइम पे इनका ज्यादा स्प्रेड है वो होता है। लक्षण क्या होते हैं, वही फीवर वगैरह होती है, हेडेक वगैरह, कफ वगैरह होना, नॉर्मल जो वायरल फीवर की तरह लक्षण इसके बेसिकली होते हैं। देखो जो स्क्रब टाइफस है इसका डिजीज, इसका इलाज है वो अभी संभव है, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि प्रारंभिक स्टेज पे इसमें कोई दिक्कत वगैरह आती है। इसके साथ ही अहम बात यहाँ पे ये है कि देखो सफाई या स्वच्छ भारत अभियान जो चल रहा है वो कहीं ना कहीं इसी चीज को कम करने में काफी हद तक कारगर है, वो रहने वाला है। तो ये दो चार फैक्ट्स हैं इसके बारे में हमने देख लिया। इसमें होता ही है स्क्रब टाइफस में कि जैसे हमारे शरीर की ये बॉडी है, इसके किसी से में जैसे किसी लार्वा ने काट लिया, मान लो कीड़े वगैरह, तो वहाँ पे एक छोटा सा होल बन जाता है और फिर वो धीरे धीरे उस वाले एरिया में, मतलब इचिंग वगैरह होना, फिर धीरे धीरे काला होना शुरू हो जाता है आसपास का एरिया। तो ये बेसिकली इसमें होता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है हमारा वो है निर्यात मित्रा एप्लीकेशन के बारे में, तो इसके बारे में भी हम देखते हैं। सबसे पहली बात यह कि निर्यात मित्रा एप्लीकेशन है वो बनाया गया है, बेसिकली यहाँ पे डेवलप किया गया है, वो क्या गया है, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, FIEO के द्वारा बेसिकली निर्यात मित्र ऐप का निर्माण है वो किया गया है। मिनिस्ट्री कौन सी है यहाँ पे जो इसको रेगुलेट वगैरह है, इसको मॉनिटर करने वाली है, मिनिस्ट्री की बात करें तो आ जाती है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, क्योंकि जब एक्सपोर्ट और निर्यात की बात हो रही है तो ऑब्वियसली कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ही सारे काम देखने वाली है। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और बन जाता है यहाँ पे। काम क्या होगा भाई, क्यों ये एप्लीकेशन बनाया गया है, देखो आप एक चीज जानते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में क्या है कि एक्सपोर्ट करने के लिए एक तो अवेयरनेस बहुत कम है, इसी के साथ ही लोगों को पता नहीं है कि चीजें कैसे एक तो एक्सपोर्ट करनी है, कौन कौन सी प्रोसीजर होती है। मतलब गवर्नमेंट चाह रही है कि भाई एक्सपोर्ट को बूस्ट किया जाए इंडिया से, जिस तरीके से चाइना है वो आज ऑल ओवर वर्ल्ड में अपनी चीजों को एक तरीके से एक्सपोर्ट करता है, हर जगह फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है, तो क्यों ना इंडिया भी ऐसा काम करे, मतलब इंडिया भी अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे उनको फैलाए या वर्ल्ड लेवल पे उनको कहीं ना कहीं डिलीवरी वगैरह करवाए, ताकि सभी जगह उसकी एक्सेस है वो हो जाए। इसीलिए हमारे देश में जो चीज़ें बन रही हैं उनको बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए, लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, और देखा जाए तो जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसके बारे में अगर कोई लोग इंटरेस्टेड है, जैसे मान लो कि मैं ही मुझे ही कोई इंटरनेशनल ट्रेड करना है, कोई चीज़ एक्सपोर्ट करनी है इंडिया से बाहर, बट मुझे कुछ पता नहीं है कि कैसे तो चीज़ें एक्सपोर्ट करनी है, कहाँ मार्केट है इस चीज़ का, मतलब मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है कि मैं ये चीज़ बना तो रहा हूँ तो इसकी वैल्यू का डिमांड कहाँ कहाँ पर ज़्यादा है, कैसे मुझे सामान वहाँ भेजना है, ऐसी सारी जो इन्फॉर्मेशन है, या किस तरह की पॉलिसी वगैरह बनानी है, क्या उनसे काम हमें करने हैं, GST की रेट क्या रहेगी इस चीज़ के लिए, कौन कौन से गवर्नमेंट हमें इंसेंटिव दे देगी इस चीज़ के लिए, कौन कौन से टेरिफ वो इस पे लगने वाले हैं, इसके साथ मार्केट की एक्सेस कहाँ पे है, कहाँ कहाँ इसको हम सेल है वो सप्लाई है वो कर सकते हैं। तो इस तरह की जो तमाम इंफॉर्मेशन है वो बेसिकली इस निर्यात मित्र एप्लीकेशन के द्वारा प्रोवाइड है वो की जाएंगी। अब इसका फायदा क्या होगा, इसके फायदे की बात करें तो सबसे बड़ी बात तो ये होगी इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, अगर इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है तो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा, और अहम बात यह आ जाएगी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से भी चार चांद है वो लग जाएंगे, तो ये इसके बेसिकली अहम फायदे वो होने वाले हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड और आता है, वो आता है ITC HS कोड। देखो क्या होगा, ITC HS कोड है ना, इसकी हेल्प से डाटा शेयर किया जाएगा इंडिया का ये इस एप्लीकेशन के थ्रू। इसका ITC HS कोड का मतलब ये है कि इंडियन ट्रेड, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ITC के बारे में इंडियन ट्रेड क्लेरिफिकेशन है। तो ITC इंडियन ट्रेड क्लेरिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि इंडिया के, देखो अगर इंडिया बाहर के चीज़ों में, बाहर के देशों में चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा है, बेच रहा है, तो कुछ ना कुछ तो गाइडलाइंस वगैरह, कुछ ना कुछ तो नॉर्म्स वगैरह होंगे ना, तो उन नॉर्म्स को या उनको साहब को मिला के बेसिकली जो रूल रेगुलेशन वगैरह है उनको बेसिकली यहाँ पे ITHS कोड है वो दिया गया है। अब देखो हर कंट्री के पास अपनी इन्फॉर्मेशन होती है कि हमारे पास ये हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड हैं, ये हमारे फीचर्स वगैरह हैं, तो उन फीचर्स को एक्चुअली सब एक से डाटा क्रिएट किया जाता है। जैसे इंडिया किसी भी कंट्री में अपने प्रोडक्ट बेच रहा है तो इंडिया के पास उस कंट्री का डाटा तो होना चाहिए ना कि भाई उस कंट्री की ये तो स्टैंडर्ड है, इस तरीके की हमें डाटा वगैरह, ये बातों का हमें तमाम बातों का ध्यान रखना है, इसके बाद ही हम वहाँ पे चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन है ना निर्यात मित्र ऐप, इसमें 87 कंट्रीज हैं वर्ल्ड की जिनका बेसिकली डाटा यहाँ पे है, मतलब 87 कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे हम चीज़ें एक्सपोर्ट है वो बेसिकली कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी के पास, बाकी के बारे में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत जगह की है, तो ये चीज हमें ध्यान है वो रखनी है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। नेक्स्ट जो आर्टिकल था वो मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ
बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में था। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व को 11th बायोस्फीयर रिजर्व को घोषित किया गया है इंटरनेशनल लेवल पे। हाँ, ये चीज एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे रह गया, वो आप देख लेना कि अभी 30वां सेशन हुआ था इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन काउंसिल का, आईसीसी का। कहाँ पे हुआ था ये हुआ था बेसिकली पेलेमबर्ग में। पेलेमबर्ग कहाँ पे है? ये है इंडोनेशिया में। तो उस सेशन के अंदर ये बात की गई थी कि हाँ भाई कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व को 11th मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा है वो दिया जाएगा। तो टोटल इंडिया में हो गई है 18, 11 प्लस 7, ये 7 है डोमेस्टिक है, 11 है इंटरनेशनल लेवल पे। नेक्स्ट जो आर्टिकल हमारा आया है वो है स्टार टोर्टोइज के बारे में। स्टार टोर्टोइज के बारे में तो कंटेक्स्ट ये है कि अभी इनकी स्मगलिंग है वो की जा रही थी बांग्लादेश के एरिया में, तो उसको लेके अब देखो इनकी स्मगलिंग हो क्यों रही थी, पहले तो वो देखते हैं। इनकी स्मगलिंग इसलिए हो रही थी क्योंकि स्टार जो टोर्टोइज है, स्टार जो कछुआ है, ये बेसिकली लोग इसको घरेलू बनाने पर लगे हैं। मतलब एक ट्रेंड सा चल गया कि हम इसको घरेलू घर में पालेंगे और उसके आधार पर इसकी डिमांड वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए इसको बेसिकली ज़्यादातर देखा जाए तो इंडिया से इसको वहाँ पर बाहर की कंट्रीज में एक्सपोर्ट है वो किया जाता है इलीगल तरीके से, जबकि देखा जाए तो इंडिया में इसका जो ट्रेड वगैरह वो क्लियर तरीके से बैन है। इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है पहले तो वो देखते हैं। इंडिया में पाया जाता है साउथ इंडिया के अंदर, आप बेसिकली कह सकते हो कि मतलब आंध्र प्रदेश हुआ, कर्नाटका हुआ, उड़ीसा, तमिलनाडु, और बात करें इंडिया के नियर बाई तो श्रीलंका और पाकिस्तान वाले एरिया में बेसिकली पाया जाता है। अब जो यहाँ पे अहम क्वेश्चन बनता है वो देखते हैं। साइट्स है जो कि कंजर्वेशन की, आपको पता है कि बॉडी है वो, उसकी लिस्ट में अगर बात करें तो उसके अपेंडिक्स 2 में बेसिकली स्टार टोर्टोइज को शामिल है वो किया गया है। और इंडिया का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसके शेड्यूल 4 में इसको रखा है वो गया है, मतलब ज़्यादा प्रोटेक्शन ही दी गई है। और बात करें IUCN की तो IUCN में इसको वनरेबल लिस्ट में शामिल किया गया है और इंडिया में इसका कोई भी एक्सपोर्ट अलाउ नहीं है, मतलब इंडिया से इसका कोई भी ट्रेड वगैरह नहीं किया जा सकता एट एनी कॉस्ट। तो ये चीज़ ध्यान है वो रखनी है, कुछ फैक्ट्स यहाँ पे हो जाते हैं, तो दो तीन बातें ध्यान है वो हो जाती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया हुआ है इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल 2018। देखो हर साल 9 अगस्त 2018 को स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो मनाया जाता है, तो भी इसी साल भी वो मनाया है वो गया था। अब क्यों मनाया जाता है पहले तो इसका एम देख लेते हैं। देखो इसका एम सीधा सीधा यही है कि जो आपस में सोवरियन कंट्रीज हैं, मतलब ये मान लो कि एक कंट्री के अंदर काफ़ी सारे लोग रह रहे हैं, अपनी कंट्री के बारे में उनकी काफ़ी अच्छी आइडियोलॉजी है, वो स्वदेशी चीज़ों को प्रमोट, स्वदेशी चीज़ को मतलब यहाँ पे फिलहाल आप ये ले सकते हो कि अपने ही देश वगैरह में रह रहे हैं, तो वो अपनी कंट्री से बाहर की दूसरी कंट्री के साथ रिलेशन इंप्रूव करेंगे इसके हेल्प से, मतलब स्ट्रेंथ कोऑपरेशन फॉर सोल्विंग प्रॉब्लम, आपस में प्रॉब्लम है उनको सोल्व करेंगे। जैसे मान लो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर कोई भी इशूज हैं तो वो इसके थ्रू सोल्व है वो कर सकते हैं। इसी के साथ ही ह्यूमन राइट्स को लेकर कोई भी अगर इशूज है उसको, कॉन्फ्लिक्ट को दूर करेंगे। इन्वायरमेंट को लेकर कोई भी इशूज है उसको दूर कर सकते हैं। एजुकेशन हुआ, हेल्थ हुआ, सोशल डेवलपमेंट हुआ, ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे आपस में रिलेशन है एक दूसरे कंट्रीज के साथ इंप्रूव है वो किए जा सकते हैं इंडिजिनियस प्रोग्राम के तहत। तो ये एक इंपॉर्टेंट अभी हो जाता है। अहम बात करें तो जो इंटरनेशनल डे है वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल का, ये बेसिकली स्टार्ट हुआ था 1994 में, जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली थी उसके द्वारा बेसिकली इसको मान्यता दी गई थी और उसके द्वारा इसको रेक्टिफाई किया गया था, तभी से ये हर साल है वो 9 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये फैक्ट ध्यान रखना है। इस बार की थीम की बात करें तो वह इंडिजिनियस पीपल माइग्रेशन एंड मूवमेंट, तो ये थीम भी हमें ध्यान है वो रखनी है। वैसे तो नाम से पता चल जाएगा कि इंडिजिनियस से संबंधित है तो ऑब्वियसली किससे रिलेटेड ये बात है। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से कि आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले आज हमने यूनेस्को का जो मैन एडवाइसरी जो प्रोग्राम है इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन है वो की थी। देखो मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आपको इन्वायरमेंट से संबंधित कोई भी लेक्चर वगैरह, कोई भी इन्फॉर्मेशन सही होती है, चाहे मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व को लेकर हो या फिर कोई और तरह की इन्फॉर्मेशन, तो आपको नीचे एक लिंक मिल जाएगा अनअकैडमी का, वहाँ से आप सारी चीज़ें देख सकते हो। अनअकैडमी में मैंने ऑलरेडी यहाँ इसको लेके बायोस्फीयर रिजर्व बोल सकते हो या फिर इन्वायरमेंट को लेकर मैंने लगभग 15 से 20 लेक्चर अपलोड हैं वो किए हुए हैं, तो वहाँ पर वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप उन सबका मजा है वो ले सकते हो। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सभी लोगों तक फ्री ऑफ कॉस्ट वो चीज़ें वो पहुँचाइए। नेक्स्ट जो आर्टिकल था हमारा वो था बेसिकली प्रिजनर रिफॉर्म को लेके मलिमत कमेटी के बारे में। फिर हमने देखा कि स्क्रब टाइफिस है वो डिजीज एक्चुअली भी बारिश मौसम के टाइम में ज्यादा फैल रही है। फिर हमने निर्यात मित्रा एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस किया और बाद में हमने देखा कि स्टार टोर्टोइज है उनका स्मगलिंग काफी ज्यादा हो रही है। इसके साथ ही हमने देखा कि इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल 2018 है वो अभी रिसेंटली मनाया गया था। तो ये थी हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।